अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, आई एम योर टीचर मिस शजिया रिजवी। आई विल टीच यू कंप्यूटर एंड दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक, पैरामाउंट कंप्यूटर मेड फ्रेंडली, बुक थ्री। ओपन योर बुक, फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 5। द चैप्टर नेम इज़ कंप्यूटर एट अ ग्लांस। ओके, कंप्यूटर एट अ ग्लांस, चैप्टर 1। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। चिल्ड्रन, यू हैव स्टडीज अबाउट कंप्यूटर, देयर डिवाइसेस, देयर फंक्शन एक्सेट्रा, लेट अस रिकॉल देम। ओके, क्लास 1 और 2 में आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके डिवाइसेस, उसके फंक्शन, थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस एंड मैनी अदर टास्क। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करता है, तेज़ एक्यूरेट करता है, रिजल्ट सही होता है हमेशा, मिस्टेक्स नहीं होती, एंड मैनी अदर टास्क, और दूसरे बहुत से काम और भी करता है। एनी कंप्यूटर एसेंशियली परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शन। कोई भी कंप्यूटर हो उसके 3 बेसिक फंक्शंस हैं, यानी 3 बेसिक काम है जो वो परफॉर्म कर सकता है। दीज आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1, इनपुट लेगा यूज़र से, प्रोसेसिंग करेगा उस पर और आउटपुट देगा। दीज आर 3 बेसिक फंक्शन ऑफ एनी कंप्यूटर। दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट पार्ट्स एंड हेल्पिंग डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। अब ये 3 फंक्शन है, ये डिफरेंट पार्ट्स करेंगे कंप्यूटर के, डिफरेंट डिवाइसेस करेंगे। द डिवाइस परफॉर्मिंग दीज फंक्शन आर अकॉर्डिंगली कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब जो ये डिवाइसेस ये फंक्शंस प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके नेम ये हैं। इनपुट परफॉर्म करेंगे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट परफॉर्म करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। दिस इज द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, सी दैट। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। CPU is the processing device of the computer, the brain of the computer, which perform all the calculation. Mouse and keyboard, these are the input devices. With the help of keyboard and mouse, we give input to the computer. This is monitor, it displays the output of the result, so it is the output devices. Turn your page. Okay. Now we learn in detail the 3 types of devices. Number 1, input devices. The input function of a computer include accepting the data and instruction from the user. Data is the raw information about facts and figure. It can consist of numbers and text. Data and instructions are entered into the computer through input devices. इनपुट फंक्शन जो कंप्यूटर का है वो इंक्लूड होता है हमसे लेता है, एक्सेप्ट करता है हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यूज़र से, यानी इंसान से जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर। हम उसको इनपुट 2 चीज़ें देंगे, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब डेटा क्या है? डेटा इज़ द रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा को रॉ मटीरियल समझ लें, जैसे किसी भी मशीन के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, ठीक है, कोई प्रोसेस करने वाली मशीन है, तो उसको एक 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं, एक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को भी 2 चीज़ें चाहिए। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, जो हम उसे टाइप करके देंगे या क्लिक करके देंगे वो डेटा है, जिसमें रॉ फैक्ट्स होंगे और फिगर्स होंगे। इट कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर एंड टेक्स्ट। अब वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट यानी लेटर्स। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। अब डेटा भी और जो इंस्ट्रक्शंस भी। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस बताना होता है कि इस डेटा पे क्या परफॉर्मेंस करनी है, क्या प्रोसेस करना है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम देंगे कंप्यूटर को, वो जिन डिवाइसेस के या कंप्यूटर के जिस हार्डवेयर पार्ट्स के ज़रिए देंगे, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। जो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड हैं और माउस हैं, सभी यूज़ करते हैं और हर कंप्यूटर के साथ लगे हुए होते हैं। कीबोर्ड इज़ द यूज टू प्रोवाइड इनपुट बाय टाइपिंग लेटर एंड नंबर। कीबोर्ड से हम इनपुट किस तरह देते हैं?
टाइप करके लेटर्स और नंबर जो कीबोर्ड पे नज़र आते हैं उनको टाइप करके डेटा देते हैं. अ माउस इज़ यूज टू प्रोवाइड इनपुट बाय सेलेक्टिंग अ पार्टिकुलर आइटम ऑन द स्क्रीन. द सेलेक्शन इज डन बाय पॉइंटिंग टू द डिज़ायर आइटम एंड क्लिकिंग द माउस बटन. माउस से इनपुट किस तरह देते हैं? माउस से हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर सेलेक्शन करते हैं. जो हमें बटन को प्रेस करना है या कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वहाँ माउस पॉइंटर लेके जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन किस तरह होती है कि आप उस डिज़ायर पोजीशन पे या आइटम पे आप लेके जाएंगे माउस कर्सर या पॉइंटर और क्लिक कर देंगे माउस बटन को तो सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह माउस से देते हैं इनपुट. ओके, दिस इज़ कीबोर्ड एंड दिस इज़ माउस. Some other example of input devices are joystick, trackball, scanner, etc. इसके अलावा भी input devices होते हैं लेकिन वो must नहीं है हर computer के लिए, आप चाहें तो लगा सकते हैं. ठीक है, क्या है joystick? Video games वगैरह खेलने के लिए use हो रही होती है, computer के साथ attach हो सकती है, input device है. Trackball is just look like a mouse. ठीक है, function भी mouse ही की तरह होता है, आप इसको समझ लें upside down mouse है. ठीक है, trackball भी input device है. स्कैनर होता है पिक्चर डेटा इनपुट करने के लिए, हो सकता है आपके किसी के घर में हो स्कैनर. ठीक है, जैसे कि ये बुक पेज है इसको स्कैन करना है, इसको इनपुट करना है, तो उसके लिए हम स्कैनर यूज़ करते हैं. तो यहाँ तक तो क्लास हो गया इनपुट डिवाइसेस. ओके, नाउ स्टार्ट विद द अनदर डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक ही होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन तो सिर्फ एक ही है ना, सारा मेमोरी का काम एंड कैलकुलेशन वर्क एंड कंट्रोलिंग द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज डन बाय आवर ब्रेन. जस्ट लाइक दैट CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करता है, दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी रखता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, द डेटा एंटर्ड इज प्रोसीड बाय द प्रोसेसिंग डिवाइस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र. अब जो डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं तो वो CPU में जाता है और वो डेटा पे प्रोसेस होता है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हमने दी हुई होती है कंप्यूटर को. डेटा इंस्ट्रक्शन हम दोनों दे रहे हैं तो CPU क्या करता है, उस डेटा पे प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू अवर गिवन इंस्ट्रक्शन. द प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ कंप्यूटर, इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और इस डिवाइस का जो पूरा नाम है वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज़ कॉमनली रेफर टू एज CPU. अब क्योंकि नेम ज़रा लेंदी है तो इसको शॉर्ट करके हम क्या कहते हैं, CPU. दिस इज CPU. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द अदर पार्ट्स एंड डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम. CPU जो है वो सारी कैलकुलेशन करता है और प्रोसेसिंग करता है किसी भी कंप्यूटर की, और इसके अलावा सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है. जो दूसरे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनके तमाम के ऑपरेशंस भी CPU ही कंट्रोल करता है. देयरफॉर इट इज़ सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन है. CPU हैज़ 3 मेन पार्ट्स. अब CPU को हम डिवाइड कर देते हैं 3 मेन पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म बाय दीज पार्ट्स. ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शॉर्ट में ALU, कंट्रोल यूनिट शॉर्ट नेम CU, मेमोरी यूनिट जिसका शॉर्ट है MU. ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द CPU. ब्लॉक डायग्राम क्या होती है इसको समझ लें क्लास. ब्लॉक डायग्राम है किसी भी मशीन के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे प्रोसेस हो रहा है उसमें पूरा. उसके पार्ट्स को एक ब्लॉक की शक्ल में बना देते हैं, एक्चुअल जो उसकी फिजिकल शेप होती है वैसे नहीं बनाते, और उसमें प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं. तो ये CPU की कंप्यूटर की बल्कि ब्लॉक डायग्राम है, इसको देख लें आप. ये इन्होंने इनपुट डिवाइस के लिए बनाया बॉक्स. ठीक है, इनपुट डिवाइस से डेटा इंस्ट्रक्शन गई है किसमें, CPU में. CPU में देखें 3 पार्ट्स हैं, ALU, CU, MU, और प्रोसेस होके जो इन्फॉर्मेशन या आउटपुट बाहर आया है वो इस वाले बॉक्स में, आउटपुट डिवाइस में. ठीक है, अब ये जो CPU के अंदर कैलकुलेशन हो रही है कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. ओके, CPU का फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. अब इसमें टू टर्म्स आ रही हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक.
ठीक है, यही इसके दो फंक्शन है, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ALU जो है फोर बेसिक ऑपरेशन अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक, फोर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. कौन से होते हैं फोर बेसिक ऑपरेशन मैथ्स में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो ALU पूरे फोर बेसिक ऑपरेशन करता है. इट ऑल्सो परफॉर्म्स ऑल दी लॉजिकल ऑपरेशन. इसके अलावा जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर में होते हैं वो भी यहीं पर ही होते हैं. अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, टू डिसाइड वेदर द नंबर 23 इज़ ग्रेटर देन द नंबर 19 और नॉट. जब कंप्यूटर को कंपेयर करनी होती है दो वैल्यू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, नॉन इक्वल, नॉट इक्वल, तो वो लॉजिकल ऑपरेशन के ज़रिए करता है. तो इसको ये वाला पार्ट जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल भी. द सेकेंड पार्ट ऑफ द CPU इज़ कंट्रोल यूनिट. अब इसके नेम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट का काम क्या हो सकता है. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सारे ऑपरेशन जो कंप्यूटर में हो रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है. परफॉर्म नहीं करता, कंट्रोल करता है. लाइक अ सुपरवाइजर, सुपरवाइज करता है. इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू द मेमोरी यूनिट एंड टू ALU. ये कंट्रोल करता है कि जब डेटा इंस्ट्रक्शन आता है इनपुट डिवाइस से तो मेमोरी यूनिट में जाए और ALU में जाए, उसको कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोसीड इंफॉर्मेशन दैट इज रिजल्ट फ्रॉम ALU टू मेमोरी एंड टू द आउटपुट डिवाइसेज. और जब प्रोसेस हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है ALU से, तो वो उसको आउटपुट डिवाइस में या मेमोरी में भेज देता है. तो इसका बेसिकली जो काम है कंट्रोल यूनिट का, डेटा ट्रैफिक कंट्रोल है. जैसे आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं कि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है CPU. ठीक है, सॉरी CU. थैंक यू पेज. ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द CPU इज़ मेमोरी यूनिट. Memory unit store the data and instruction temporarily before they are passed on to the ALU. Memory unit का काम क्या है? Data और instruction जो आ रही होती हैं उनको input devices से उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकता है, permanently नहीं, temporarily. ठीक है, इससे पहले कि वो ALU में जाएं, कहीं पर वो लिखेंगे तो वो memory unit होगा. It also store the result of the work done by ALU before it is passed on to the output device. और इसी तरह जब ALU result दे देता है, ठीक है, process information या process करके data पे information बनाता है या result बनाता है, तो वो उसको भेजता है ALU से output device में. उससे पहले ALU से जो result आता है वो memory unit में आता है. memory unit में थोड़ी देर के लिए store होता है जब तक ये output device तक नहीं जाता. तो basically इसका क्या काम है? data को store करना. ठीक है, ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे. थैंक यू.